दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में राज्यसभा सांसद विजय डरडा और तीन अन्य के खिलाफ सीबीआई के आरोप पत्र पर संज्ञान लिया। अदालत ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में विजय डरडा और तीन अन्य आरोपियों को समन भेजा, 23 मई को उपस्थित होने को कहा। वाराणसी में रिटर्निंग ऑफिसर ने भाजपा नेता नरेंद्र मोदी की गुरुवार को चुनावी रैली करने की इजाजत नहीं दी है। उनका कहना था कि बेनिया बाग में लोगों की भीड़ की वजह से जगह की तंगी के कारण रैली की अनुमति नहीं दी जा सकती है। भाजपा ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले पर नाराजगी जताई। भाजपा नेता अरुण जेटली ने कहा कि किसी भी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने का अधिकार होता है और किसी बहाने को बनाकर उसे चुनाव अधिकारी द्वारा रोकना निष्पक्ष चुनाव पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। लोकसभा चुनाव के आठवें दौर में 7 राज्यों की 64 सीटों पर लोगों ने मतदान में बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। छिटपुट घटनाओं को छोड़ मतदान रहा शांतिपूर्ण। इन सीटों के लिए लगभग 900 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। आंध्र प्रदेश में विधानसभा की 175 सीटों पर भी आज वोट डाले गए। असम के हिंसाग्रस्त दो जिलों से आज सुबह 5 और शव बरामद किए गए। इसके साथ ही उग्रवादी हिंसा में यहां मरने वालों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। बक्सा जिले से बहने वाली बेकी नदी से इन शवों को बरामद किया गया है। देश के सभी चुनाव में हिस्सा लेने वाले 98 साल के श्याम शरण नेगी ने भी आज वोट डाला। नेगी 1952 से अब तक लगातार हर चुनाव में मतदान करते रहे हैं। चुनाव आयोग ने भी उन्हें सम्मानित किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केरल विधानसभा द्वारा पारित मुल्ला पेरियार बांध पर बनाए गए कानून को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने केरल सरकार को इस कानून को लागू करने से मना किया है और साथ ही तमिलनाडु सरकार को भी बांध के जल स्तर को बढ़ाने से रोक दिया है। अभिभावकों को एक बड़ी राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज राजधानी के स्कूलों की नर्सरी में प्रवेश का रास्ता साफ कर दिया। सरकार से अंतर्राज्यीय स्थानांतरण श्रेणी के तहत 24 छात्रों को शामिल करने के लिए कहा, जिनके अभिभावकों ने इसके लिए याचिका दायर की थी। शेयर बाजार गिरावट के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 184.52 अंक कमजोर होकर 22,324 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 63 अंक की गिरावट के बाद 6,652.55 अंक पर पहुंचा। फॉर्मूला वन के सीजन में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही मर्सिडीज की टीम के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन को उम्मीद है कि स्पेन ग्रांड प्री में भी उनका प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा। हैमिल्टन फिलहाल अपने साथी ड्राइवर निको रोसबर्ग से पीछे चल रहे हैं। आईपीएल में आज दिल्ली डेयरडेविल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने जीत के लिए 161 रनों का लक्ष्य रखा। दिल्ली डेयरडेविल्स ने पहले खेलते हुए खोए 5 विकेट।